रहे सलामत जिंदगी उनकी जो तेरे दर पर सर झुकाते हैं। ए मीरा जैन का उनकी जिंदगी खुशियों से भर दे जो तुझे याद करने में अपने जीवन का एक एक पल बिता देते हैं। बोल मीरा बाबा की जय, बोल जैन का वीर की जय, बोल काली माता की जय। जय मीरा बाबा की। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज का जो विषय है चिंता होने का। प्यारे दोस्तों, सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कभी कभी भी चिंता होने लगती है। कुछ भक्त ऐसे जरूर होंगे, उनके मन में सवाल भी हैं कि हमें दिन रात चिंता रहती है, मुझे घर की चिंता बहुत होती है, सेहत, कामकाज और बच्चों को लेकर टेंशन होती है, घर परिवार की टेंशन होती है। तो वह कौन से दो काम है जो आपको जरूर करने हैं, जिसे करने के बाद आपकी जो चिंता है, टेंशन है, खत्म हो जाएगी। तो सभी लोगों से मैं विनती करता हूँ, सभी भक्तों से, कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं चिंता के बारे में, टेंशन के बारे में। दोस्तों, आज के समय में हर इंसान परेशान है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर इंसान ना अपने आप को कोई ना कोई चिंता जरूर ले रखी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जो चिंता है, कि जब व्यक्ति सोचने समझने लग जाता है, उस वक्त से ही उसे चिंता होने लग जाती है। इस पूरे संसार में एक बच्चे ही हैं जिन्हें कोई चिंता नहीं है, नहीं तो हर इंसान चिंता से घिरा हुआ है। किसी को नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, इस बात की चिंता है। किसी के घर बीमारी है, हाथ पैर शरीर में दर्द रहता है, इस बात से वह परेशान है, चिंतित है। दोस्तों, लाखों कारण हो सकते हैं जिस कारण आप चिंता में रहते हो। यकीन करना दोस्तों, आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आपके रब ने, आपके परमात्मा ने, आपके देवी देवताओं ने, आपके सैयद पीरों ने आपकी जिंदगी में लिख दिया है, वो तो होके ही रहेगा। लेकिन आप अपनी पूजा से, सेवा से, बंदगी से अपने माथे की लकीरों को बदल सकते हो। अगर आपके ऊपर आपके कुल देवता या रब की कृपा हो गई, तो वह आपके आपको फर्श से अर्थ तक पहुंचा देंगे। इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति के मालिक है हमारे मीरा बाबा, हमारे कुल देवता। आपकी चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि आप हालातों को काबू करना चाहते हो। आप बाबा के आगे फरियाद भी करते हो तो आपको पूर्ण विश्वास नहीं होता, आपके दिल में शंका होती है, चिंता होती है। कई घरों में तो उनके घर के सदस्य नशे का सेवन करते हैं, पर उनके ही घर के सदस्यों को फिक्र रहती है कि हमारे घर का सदस्य नशा करता है, शराब पीता है, और आप चाहते हो ये शराब पीना छोड़ दे। दोस्तों, हर इंसान नशा करना उसी समय छोड़ सकता है जब उसका अपना मन होगा। अगर आप इस बात की चिंता करते हो कि हमारे घर का सदस्य शराब पीता है, तो यह चिंता करनी व्यर्थ है। अगर कुछ करना ही है तो अपने बाबा जी के आगे दुआ फरियाद कर सकते हो, मीरा साहब अपने कुल देवता की पूजा कर सकते हो कि वह घर के सदस्य का नशा छुड़वा दे। दोस्तों, आपका कोई काम काज है तो आप मेहनत कर सकते हो, अपने काम को सच्चे दिल से करना है, ईमानदारी से करना है। काम में बरकत होना, काम का फल मिलना, यह सब आपके कर्म, पूजा पाठ, सेवा बंदगी से होगा, क्योंकि हर चीज समय आने पर ही प्राप्त होती है, क्योंकि समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि दोस्तों, केवल मनुष्य ही चिंता करता है, कोई भी जीव जंतु, कोई भी पशु पक्षी चिंता नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने रब पर, अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास है। उन्हें पता है कि जिस परमात्मा ने मुझे पैदा किया है, तो उन्हें मेरे खाने पीने और रहने सहने का प्रबंध भी जरूर किया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन दो कामों के बारे में जो कि हर भक्त को जरूर करने चाहिए, क्योंकि हमें अपने बाबा के ऊपर पूर्ण भरोसा है। अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी चिंता जरूर खत्म होगी। दोस्तों, सबसे पहला काम जो आपको करना है, अगर आप अकेले हो, चिंता में डूबे हुए हो, तो उस वक्त अगर आपके पास कोई स्पीकर है या फिर आपके पास कोई मोबाइल फोन है, तो आप बाबा के भजन या बाबा की कवाली जरूर सुनो, क्योंकि जब हम और हमारा मन अकेला होता है, उस समय हमारे मन में विचार आने लग जाते हैं, हम चिंतित होने लग जाते हैं। लेकिन आपको अपना ध्यान अपने मीरा साहब, अपने कुल देवता, अपने परमात्मा में लगाना है, क्योंकि अकेले दिमाग, चिंतित दिमाग में कोई ना कोई विचार आता रहता है। मान लो आपके मन में विचार आ गया कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही,
हमारे घर में दुख बहुत है, हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है और हमारी फरियाद क्यों कबूल नहीं होती, ऐसे विचार आते रहते हैं। पर दोस्तों, अगर आप बच्चों सच्चे दिल से अपना पूरा दिलो दिमाग बाबा जी में लगाओगे तो बाबा जी आपके मन में कोई चिंतित विचार नहीं आने देंगे। और दोस्तों, रात को सोने से पहले बाबा जी को जरूर याद करके सोना। सोते वक्त जो आखिरी ख्याल दिमाग में हो तो वह मीरा साहब जैन कबीर अपने कुल देवता का ही हो। अगर आप घर में बाबा का चिराग करते हो तो चिराग करने के बाद 10 से 20 मिनट पूजा स्थान पर जरूर बैठो, क्योंकि दोस्तों सारा दिन हम अपने काम काजों में व्यस्त रहते हैं। अगर 10 मिनट बाबा की हजूरी में बैठोगे तो मन को बहुत शांति मिलेगी। दुनियादारी की चिंता छोड़ के अपने बाबा जी मीरा साहब के बनो, जिसने आपके पूर्वजों के काम किए आपको सुख शांति दी। जिस रब ने इस कायनात को बनाया तो तुम्हारी चिंता परेशानी कितनी बड़ी है। मीरा साहब की शक्ति के आगे आप भरोसा तो करो। तुम्हें क्या लगता है कि वह तुम्हारी चिंता दूर नहीं करेंगे? प्यारे दोस्तों, हो सकता है आपका समय आपकी जिंदगी में खराब चल रहा हो या खराब समय आने वाला हो, आपको लगे कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे दिल की कोई सुनता ही नहीं, पर उस समय याद करना कि वो हमारे मीरा साहब, हमारे कुल देवता या हमारे परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं, वह अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। अब दोस्तों, दूसरा जो काम है वो है फरियाद। दोस्तों, हमें तो फरियाद भी करनी नहीं आती, हम बाबा जी से अपने परमात्मा से मांगते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, मेरे घर हर चीज आ जाए या हमारा ये काम बन जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। पर कोई भी भक्त मन की शांति नहीं मांगता, कोई नहीं मांगता कि हमें बुद्धि दो, अकल दो, सभी अपने देवी देवताओं से चीजें ही मांगते हैं, कोई भी बाबा जी से बाबा को नहीं मांगता। प्यारे दोस्तों, आपने बाबा जी को मांगा, सोचो बाबा अगर आपके हो गए तो सोचो फिर किस चीज की कमी रह जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनके पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, फिर भी वह कहीं न कहीं दुखी हैं, चिंता में हैं, या फिर उन्हें कोई बीमारी है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है मन की शांति, इसलिए सदा अपने बाबा जी में हमेशा विश्वास रखो। उनसे अगर कुछ मांगना है तो मन की शांति मांगो, तो बाबा जी आप पर कृपा जरूर करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का खूबसूरत एक पैगाम। प्यारे दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मीरा बाबा के भक्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। और जो ज्यादा चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उन्हें यह वीडियो जरूर भेजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मीरा साहब जैन कबीर काली माँ से जुड़ी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। मीरा बाबा आपको हमेशा खुश रखे, आपके घर में सुख शांति दे। जय मीरा बाबा, जय जैन कबीर, जय काली माता, जय पांचों पीर।